गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। कौन सी है पापनाशक और शक्तिवर्धक तपश्चर्याएं? अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल जाते हैं, बदल जाते हैं, गल जाते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर परिवर्तन नहीं हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही होती है, वो रोगों, वो पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती है, बदलकर मन भावन बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। जो प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवित व्ययता बन चुके हैं, जिनका भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिष्ठित हो चुका है, वे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हो जाते हैं, उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदर शूल होकर प्रकट होने वाला था, वो साधारण कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ी करके आसानी से चला जाता है। जिस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाने थे, भारी रक्तस्राव होने की संभावना थी, वो मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बहकर निवृत्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के संचित पाप जो कई कई जन्मों तक भारी कष्ट देने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में बहुत असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण ये है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाता है। इसीलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते ही रहते हैं। ये पापों का गलना हुआ। बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पड़ता है, उसका स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे प्रसव की पीड़ा। माँ को प्रसव काल में पीड़ा तो होती है, पर उसके साथ साथ एक उल्लास भी रहता है। चंद्र से सुंदर बालक का चेहरा उसकी पीड़ा को बिल्कुल भुला देता है। राजा हरिश्चंद्र, दधीची, प्रहलाद, मोरध्वज आदि को जो कष्ट सहने पड़े, उनके लिए उस काल में वे भी उल्लासमय थे। अमर कीर्ति और सदगति की दृष्टि से वे कष्ट उनके लिए सब प्रकार से मंगलमय ही रहे। दान देने से जहाँ ऋण मुक्ति होती है, वहाँ यश तथा शुभ गति की भी प्राप्ति होती है। तप द्वारा इस प्रकार उधार पड़ जाना और मेहमान जीम जाना, दो कार्य एक साथ हो जाते हैं। जल जाना इस प्रकार होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने हैं, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घास पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी ही जला डालती है। वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा ना करने के दृढ़ निश्चय के आगे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जैसे अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी के अंतःकरण की प्रखर किरणें पिछले कुसंस्कारों को नष्ट कर देती हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गंध, कष्टकारक परिणामों को घटाकर उनका अंत हो जाता है। तपश्चर्या से पहले के पापों का गलना, बदलना, जलना ही नहीं होता, बल्कि तपस्वी को एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को दैवी विद्युत शक्ति, आत्मतेज, तपोबल आदि नामों से भी हम जानते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं, दिव्य सद्गुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस, धैर्य, दूरदर्शिता,
संयम सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेक गुणों की विशेषता प्राप्त होती है। कुसंस्कार कुविचार कुटेव कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देवदानों ने तपश्चर्याएं करके मनोरथ पूरा करने वाले वरदान पाए थे। जैसे घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है, अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उद्भव होता है। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिले थे। दूध के मथने से घी निकलता है। काम मंथन से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि मंथन से अन्न उपजता है। तपस्या द्वारा आत्म मंथन से उच्च आध्यात्मिक तत्वों की वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। पत्थर पर घिसने से जैसे चाकू तेज होता है, अग्नि में तपाने से सोना निर्मल होता है। तप से तपा हुआ मनुष्य भी पाप मुक्त तेजस्वी और विवेकवान बन जाता है। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे तपों के बारे में जानेंगे जिनसे हमारे पाप गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिनको करने से हमारा ब्रह्म तेज बढ़ता है। आज के लिए इतना ही।